फ्रेंड्स, दिस इज द लेक्चर नंबर 4 एलिगेशन. एंड बिफोर कमिंग इन दिस लेक्चर यू मस्ट गो इन द प्रीवियस लेक्चर, देन योर कॉन्सेप्ट इट विल क्लियर. ओके, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज कम इन योर प्रीवियस एग्जाम. देयर आर 65 स्टूडेंट्स इन ए क्लास. ओके, 39 स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग देम सो दैट ईच बॉय गेट्स 80 पैसा एंड ईच गर्ल गेट्स 30 पैसा. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इट हैज कम इन योर एग्जाम. देयर आर टोटल नंबर ऑफ 65 स्टूडेंट. टोटल 65 स्टूडेंट इन ए क्लास. 39 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यू हैव टोटल 39 रुपीज. ओके, दैट इज योर मनी एंड यू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी टू दिस 65 स्टूडेंट. सो दैट ईच बॉय गेट्स 80 पैसा. मीन्स देयर आर लेट देयर आर एक्स बॉय एंड वन इज गेटिंग 80 पैसा. सो ओवरऑल मनी. ओके, एंड ईच गर्ल गेट्स 30 पैसा. सपोज देयर आर वाई बॉय एंड 30 पैसा. ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल. ओके, इफ यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉयज इंटू पैसा एंड वाई इंटू नंबर ऑफ बॉयज इंटू नंबर ऑफ बॉयज इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू पैसा, इफ यू एड देन यू विल गेट टोटल पैसा, दैट इज 39. सो देयर आर टू, दिस इज वेरी सिंपल. 80 पैसा इंटू एक्स प्लस 30 पैसा इंटू वाई, दिस इज द वैल्यू. सो मनी, मनी इज इक्वल टू मनी. सो दिस इज 39 बट दिस इज पैसा, सो 20. सो दैट इज ऑल्सो पैसा. नाउ 65, टोटल नंबर ऑफ 65, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज इक्वल टू 65. यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ दिस हाई स्कूल मेथड. दिस इज द फर्स्ट मेथड. नाउ विद इन 2 सेकेंड यू हैव टू सॉल्व इट. So at first I will write here boys and then girls. Okay. So your boys, these are the boys money is 80 and girls money is 30. Okay. So overall money, that is your overall money. So overall money, how to find total money? This is 3900 upon 65 upon 65, that is the average value, mean value you can think. So if you will divide it, then you will get 60 paisa. So their mean value is 60. So then you have to find it, and 80 minus 60 is equal to 20, and 60 minus 30 is equal to 30. So your ratio is 30:20, and this is 3:2. Now you have to find number of boys. Boys is equal to, and this is total money is 65, and 3 plus 2 is equal to 5, and number of boys is equal to into 3, so it will be 39. And similarly, number of girls you can find, very simple. Okay, I will use here, I do not have a space. Number of girls is equal to, number of girls is equal to total number of money is 65. And your girls, that is 2 upon 3 plus 2 is equal to 5. So this is a way. At first you must go in the previous lecture ratio proportion. So it will clear how to find the value. So all the lectures are related to each other. So that is money. And if you subtract, then you will get this 65 and into 2 upon 5 is equal to 26. Or you can also find like this. So if the total number of boys is 39 and total number of students are 65. So 65 minus 39, this is 26. Okay. So there are two ways to solve such type of problem. I think that you understand. Now we are just taking the second question. The second question is a person has a chemical of rupees 25 per liter. In what ratio should water be mixed in that chemical so that after selling the mix at rupees 20 per liter, he may get 25% profit? This is a very good question and it has come many times. So I will use the allegation method. Now, in this question, the allegation method is applicable on the prices. So we should get the average price of mixer. So the SP of the mixer is equal to your SP of the mixer
इज रुपीज 20 पैसा पर लीटर. ओके, 20 पैसा पर लीटर ऑलरेडी दे हैव गिवन अस. सो प्रॉफिट, योर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25. ओके, सो यू कैन फाइंड द एवरेज प्राइस. एवरेज प्राइस इज इक्वल टू 20 योर मनी इंटू 100 अपॉन 125, सो दैट इज 16. एवरेज प्राइस मीन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आइटम. सो योर दिस इज एवरेज रुपीज, योर मीन वैल्यू. ओके, सो ए पर्सन हैज ए केमिकल, योर केमिकल कॉस्ट इज 25. ओके, इन वट रेशियो शुड वाटर, वाटर कॉस्ट इज 0. ओके, एंड योर मिक्सर कॉस्ट इज, बिकॉज सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सर एट ए 20 रुपीज पर लीटर ही मे गेट दिस प्रॉफिट. बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी हैव गॉट दिस दिस वन 16. SP अपॉन CP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस 100 अपॉन 100. ओके, यू हैव टू, यू मस्ट गो इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस. सो दिस एवरेज एवरेज इज 16. सो नाउ वी विल फाइंड द, वी विल यूज द एलिगेशन मेथड. 25 माइनस 16 दैट इज 9, एंड दिस 16 माइनस 0 इज इक्वल टू 16. सो योर रेशियो इज 16:9. सो दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल. नाउ थर्ड क्वेश्चन. इन द थर्ड क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स. ए पर्सन ट्रेवल्स 285 किलोमीटर इन 6 आवर्स. ओके, टोटल डिस्टेंस इज 285, एंड ही हैज ट्रेवल इन 6 आवर्स. ओके, इन टू स्टेज. ओके, देयर आर टू नंबर ऑफ स्टेज. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जनवरी ही ट्रेवल्स बाय बस. हियर ही यूज्ड बस. ओके, बस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. हियर ही यूज्ड 40 किलोमीटर पर आवर. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ जनवरी ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन. हियर ही यूज्ड ट्रेन. ओके, दिस इज योर ट्रेन. ओके, ट्रेन, ही ट्रेवल्स बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच डिस्टेंस डीड ही ट्रेवल बाय ट्रेन. नाउ ही इज आस्किंग हाउ मच डिस्टेंस. यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द हेल्प ऑफ ट्रेन. गो इन द प्रीवियस लेक्चर, अगेन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. टोटल डिस्टेंस इज 285 एंड टोटल टाइम इज 6 आवर्स. दिस वन इज 40 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड, एंड इट्स स्पीड इज 55 किलोमीटर पर आवर. यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, वेरी सिंपल. बट आई विल यूज दिस एलिगेशन मेथड. स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ ट्रेन. ओके, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 40 एंड स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 55. एंड एवरेज स्पीड, यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एलिगेशन मेथड. दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस. सो हियर वी विल गेट 45/6 एंड हियर वी विल गेट 45/6. बोथ आर सेम. सो योर टाइम स्पेंड इन बस रेशियो टाइम स्पेंड इन ट्रेन इज इक्वल टू 45/6 रेशियो. 45/6 इज इक्वल टू 1:1. मीन्स बोथ टाइम आर सेम. मीन्स ही हैज स्पेंड टोटल नंबर ऑफ टाइम, हाउ मच टाइम ही हैज स्पेंड हियर, एंड दैट इज सेम टू द स्पेंड टाइम इन ट्रेन. ओके, सो बोथ टाइम इज ट्रेन, मीन्स 1:1. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन. ओके, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 285/2. ओके, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 2 बिकॉज टाइम इज सेम. सो यू कैन डिवाइड 285/2. सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम. ओके, सो इन दिस कंडीशन 142
0.2 किलोमीटर पर, दैट इज योर डिस्टेंस. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो वी हैव डन दिस. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. सो स्पीड 1 इंटू टी 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस. ओके, इफ टाइम इज सेम देन योर डिस्टेंस, सो वी हैव डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज योर टाइम इज सेम. ओके, सो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड. ओके, एंड इफ यू आर जस्ट एनी प्रॉब्लम योर क्वेरी देन यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन गो इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज द ट्रेन. ओके, सो टू नो इट. ओके, थैंक यू सो मच.